रानीताल क्षेत्र में स्थित टीवीएस कंपनी के शोरूम और गोदाम से नए दोपहिया वाहनों की चोरी करके वाहनों को कम दाम में बेचने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाने की संयुक्त टीम ने गोदाम और शोरूम से चोरी करके बेचे गए 35 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। लाडगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। रानीताल क्षेत्र में स्थित टीवीएस कंपनी के शोरूम से नए दोपहिया वाहनों को चोरी कर वाहनों को कम दामों और किश्तों में बेचने वाले एक कर्मचारी पूरन लाल चढ़ार और वाहनों को कम दामों और किश्तों में खरीदने वाले 20 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पुलिस ने शोरूम और गोदाम से चोरी कर बेच दिए गए 35 दोपहिया वाहन, जिसमें करीब 22 मोपेड और 13 मोटरसाइकिलें शामिल हैं, सभी वाहन 24 घंटों के भीतर बरामद कर लिए गए हैं। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि टीवीएस कंपनी शोरूम के मालिक ने शोरूम और गोदाम से नए वाहनों की चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी और शोरूम के कर्मचारी पूरन लाल चढ़ार पर शंका जाहिर की थी। इस मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद एडिशनल एसपीटी गोपाल खांडे, सीएसपी प्रभात शुक्ला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और संजय नगर अधारताल निवासी शोरूम के कर्मचारी पूरन लाल चढ़ार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने शोरूम से नए वाहनों की चोरी करके वाहनों को कम दामों और किश्तों में बेचने का जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और लाडगंज पुलिस की टीम ने 24 घंटों के भीतर सभी वाहन बरामद किए। इस मामले में वाहन खरीदने और किश्तों में लेने वाले 20 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद हुए सभी वाहनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। प्रकरण इस प्रकार है कि रानीताल चौक पे साई टीवीएस नाम की दुकान है, उसमें से करीबन 35 जो टू व्हीलर्स थे वो चोरी चले गए थे। जो उनके मालिक थे उनको अपने एक जो उनका कार्य कर रहे थे 10 साल से पूरन लाल चढ़ार, उन पे शक था, उस पे पुलिस ने वर्क किया और फिर 24 घंटे के अंदर मेरा मानना है कि जो आप देख रहे हैं 35 जो टू व्हीलर्स हैं जिनकी कीमत करीब करीब 30 से 35 लाख के बीच में है, ये मशरूका जो है जब्त हुआ है। इस अत्यंत उल्लेखनीय कार्रवाई का मैं श्रेय हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, मृदुलेश, संध्या चंडेल सब इंस्पेक्टर गौतम, सीएसपी प्रभात शुक्ला और क्राइम ब्रांच की टीम अपने एडिशनल एसपी गोपाल, इन सबके अच्छे प्रयास रहे हैं और कुल मिला के ये मैं टू व्हीलर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट रिकवरीज जो है थाना लॉर्डगंज की ये हुई। इनका मोटर्स ऑपरेंडी चोरी करने की ये रहती थी कि ये जिस साई टीवी में काम करते थे वहाँ मान लीजिए अगर इनके सीनियर ने बोला है कि पाँच मोटरसाइकिल दुकान में ले जानी है गोडाउन से, तो ये सात ले आते थे और दो अपने किसी अन्य जगह रख लेते थे। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने गोहलपुर हनुमानताल क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में इनको सस्ते दामों में बेचा था। और जैसे बेचते थे ये तो क्या कह के बेचते थे, क्योंकि कुछ वो कितनी कीमत ये बेचते थे कि ये इसको थोड़े कम दाम में बेचते थे और बोलते थे बाद में पेपर बन जाएंगे, अभी तो आप इसको ले जाओ। तो चूँकि कम दाम में थोड़ा मिलता था तो लोग इसको ले भी लेते थे। दोपहिया वाहनों की चोरी के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने में जबलपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस मामले में अभी और भी विवेचना की जा रही है।